आज जो है हम एनर्जी प्रोफाइल देखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बेसिकली हम स्टडी कर रहे थे, तो लास्ट टॉपिक में हमने चीज़ें जो देखी थी वो ये थी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना देते हैं, जो कि दो तरह के होते हैं। द वन विद द लो एनर्जी आर कॉल्ड द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड द वन विद द हाई एनर्जी आर कॉल्ड द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और उसमें हमने देखा था कि कैसे सिग्मा और पाई जो है, और सिग्मा स्टार और पाई स्टार जो हैं वो किस तरह से बनते हैं जब एस और पी डिफरेंट टाइप्स के ओवरलैप करते हैं। तो वहाँ के बाद जो आज हमने चीज़ देखनी है वो ये है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाते हैं उनकी अंदर उनकी रिलेटिव एनर्जीज क्या होती हैं, किसकी एनर्जी कम या किसकी एनर्जी जो उनकी है वो ज़्यादा होती है। तो अब हम क्या करेंगे, हम दो केसेस को डिस्कस करेंगे जिनके अंदर हम 2s और 2p जोन से हैं, जिनके अंदर px, py और pz तीन होते हैं, उनकी डायग्राम बना के डिफरेंट एटम्स की, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की। और तो हम ये देखेंगे कि उनके अंदर एनर्जी का डिफरेंस कैसे होता है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो उसके लिए हम चलते हैं अपनी डायग्राम की तरफ। तो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। ये जो हमारे पास केस है दैट इज ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन वगैरह के मॉलिक्यूल्स का, एंड दिस इज दी अबाउट द नाइट्रोजन बोरॉन एंड बेरिलियम। अब जो है आप अगर इसको देखें तो सबसे पहले हम 2s से चलते हैं, स्टार्ट होते हैं। तो दिस इज 2s ऑफ वन ऑर्बिटल, दिस इज द 2s ऑफ द अदर ऑर्बिटल एंड दे विल कम, दे विल ओवरलैप एंड गिव अस टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। दिस वुड बी कॉल्ड एज द सिग्मा 2s एंड दिस वुड बी द सिग्मा स्टार ऑफ 2s। दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ए बी एम ओ एंड दिस इज बी एम ओ। ये हो गया जी 2s का केस। और ये जो है आपके पास इस जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन जो है जिसमें एरो जिस डायरेक्शन में बना रहा हूँ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी। ऊपर चलते हैं तो हमारे पास आते हैं पी, 2p के पास अगर मैं जाऊँ तो पी हैव थ्री, बेसिकली तीन इसके कौन कौन से, 2px, 2py, 2pz। सिमिलरली 2px, 2py, 2pz ऑफ द अदर ऑर्बिटल। ये उसी तरीके से आपके पास मिलेंगे और आपको जो चीज़ देंगे वो क्या होगी, लेट मी कंप्लीट द डायग्राम फर्स्ट। ये तीन जो उनसे हैं आपके पास 2px, 2py और 2pz एक एटम से आए, तीन ही यहाँ से आए। इन तीनों ने मिलके टोटल छः जो उनसे हैं आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दे दिए। दीज थ्री आर द बीएमओज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड दीज थ्री आर दी ए बी एम ओज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब अगर इसको आप देखें तो दिस इज, ये दोनों मैंने एक साथ क्यों बनाए हैं, बिकॉज दे आर पाई 2py एंड पाई 2pz।
जेड। अगर आपको याद हो तो हमने पिछले टॉपिक में ये बात पढ़ी थी कि दोनों जोन से हैं वाई और जेड जो पी के होते हैं दे आर डीजनरेट। डीजनरेट का मतलब है दे हैव सेम एनर्जी। जब सेम एनर्जी है तो ये अगर एनर्जी का पॉइंट है तो इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों लाए करेंगे, इस वजह से ये दोनों सेम हैं। सिमिलरली ये जो हैं दोनों सेम, दे आर पाई स्टार 2PY एंड पाई स्टार 2PZ एंड दिस इज दी 2PX। और 2PX X वाला जो होता है आपको पता है दे फॉर्म सिग्मा, तो दिस इज दी सिग्मा स्टार ऑफ 2PX। यहाँ तक आप के माइंड्स में और चीज़ जो है वो मेरे ख्याल में क्लियर होगी। इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑक्सीजन और फ्लोरीन की डायग्राम हमने बनाई है जिसके अंदर इसके आउटर मोस्ट शेल में 2s और 2p, 2p ओवरऑल। अब 2s एक एटम का, 2s दूसरे एटम का ओवरलैप किए, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल हमें दिए। ये एंटी ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूल जिसको सिग्मा 2s और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 2s। सिमिलरली यहाँ पर हम गए तो हमने देखा कि जो 2p के तीन होते हैं, 2px, 2py और 2pz। और पिछले टॉपिक में हम देख के आए हैं कि 2px जो है वो जब मिलता है दूसरे एटम के 2px से तो वो सिग्मा 2px देता है, वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो दिस इज सिग्मा 2px और दिस इज सिग्मा स्टार 2px। अब py और pz दे गिव अस पाई बॉन्डिंग एंड दे आर डीजनरेट। इनकी एनर्जी सेम होती है, इस वजह से ये सेम लेवल पे मैंने ड्रॉ किए। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है सिग्मा 2PY, सिग्मा 2PZ एंड दीज आर दी सिग्मा स्टार 2PY एंड सिग्मा स्टार 2PZ। अब मैं बनाना चाहूँगा ब्रिलियम नाइट्रोजन या बोरॉन का केस। इनके केस में क्या होगा, इनकी डायग्राम जो है यहाँ से इसका 2s आएगा, यहाँ से इसका 2s आएगा, दे विल कम क्लोजर एंड गिव अस टू ऑर्बिटल्स। ये होगा BMO और ये क्या कहलाएगा सिग्मा 2s, और ये होगा सिग्मा स्टार 2s जो कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। गोइंग अप इन टू द पी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2px, 2py, 2pz, 2px, 2py, 2pz। ये उसी तरह से जो हैं आपको जो हैं वो देंगे। ये 2px और ये जो 2px है ये जब आपस में मिलेगा तो दे विल गिव अस दी सिग्मा 2px। ये होगा जी पाई 2PY एंड दिस वुड बी पाई 2PZ। ये उस पाई स्टार 2PY, पाई स्टार 2PZ एंड दिस इज सिग्मा स्टार 2PX। अब इन दोनों को, इस डायग्राम को और इस डायग्राम को अगर आप कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि यहाँ तक जो डायग्राम है दैट इज़ द सेम। लेट मी चेंज द कलर सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। दिस यहाँ तक जो है ये सारा का सारा प्रोफाइल एनर्जी का सेम है कि सबसे कम एनर्जी सिग्मा 2s की, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s की, यहाँ पे भी सबसे कम एनर्जी सिग्मा स्टार 2, सिग्मा 2s की, फिर सिग्मा स्टार 2s की। फ़र्क जो आ रहा है दैट कम्स हेयर। दिस इज़ द पोर्शन इन द टू डायग्राम्स जो कि क्या हो रहा है, डिफर कर रहा है। लेट मी गो बैक। ये तो ये वाला जो सा पोर्शन है दैट इज़ डिफरिंग। जब मैं इनकी एनर्जी लिखना चाहूँगा इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर तो यहाँ पे सिग्मा 2s की सबसे कम, फिर ग्रेटर देन दिस, फिर उससे ज़्यादा होगी इन दोनों की और फिर इसकी, जबकि यहाँ पे पहले 2px की होगी और फिर इन दोनों की एनर्जी जो है वो मेरे पास आएगी। तो लेट मी फर्स्ट राइट देयर एनर्जी ऑर्डर्स कि उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी क्या है। तो अगर ये O2 और F2 का केस है तो उसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले जो एनर्जी है दैट इज सिग्मा 2s की, उसके बाद आएगी सिग्मा स्टार 2s की।
लेट मी शो यू विद दिस। सबसे पहले ये सिग्मा टू एस की एनर्जी है, उसके बाद सिग्मा स्टार टू एस की एनर्जी है, उसके बाद एनर्जी आ रही है सिग्मा टू पी एक्स की, और उसके बाद एनर्जी आएगी सिग्मा पाई, सॉरी पाई टू पी वाई, जो कि इक्वल है एनर्जी पाई टू पी जेड के। दिस पोर्शन सिग्मा टू पी स्टे पाई टू पी वाई एंड पाई टू पी जेड। इसके ऊपर एनर्जी आएगी, अगर मैं फर्दर ऊपर जाऊँ तो फिर इन दोनों की एनर्जी आएगी और एंड पे आएगी इसकी एनर्जी, तो वो मैं लिख देता हूँ। इसके बाद जो एनर्जी का प्रोफाइल होएगा दैट वुड बी सिग पाई स्टार टू पी वाई विच इज़ इक्वल टू पाई स्टार टू पी जेड, एंड लास्ट में जो होगी वो होगी सिग्मा स्टार टू पी एक्स की। अब अगर मैं लिखना चाहूँ केस ऑफ बोरॉन और नाइट्रोजन का, तो वो क्या होगा, उसके अंदर भी स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर सिग्मा टू एस, उसके बाद है सिग्मा स्टार टू एस, उसके बाद है ये आना चाहिए था, लेकिन अगर आप इसकी डायग्राम को देखें तो पहले ये आ रहे हैं उसके बाद ये आ रहे हैं, तो इसको मैं जब लिखूँगा तो इट वुड बी लाइक दिस कि पाई टू पी वाई विच इज़ इक्वल टू पाई टू पी जेड, और उसके बाद जो एनर्जी है वो आएगी सिग्मा टू पी एक्स की, और बाकी सारा काम जो है वो वैसे का वैसे ही है, पाई स्टार टू पी वाई इज इक्वल टू पाई स्टार टू पी जेड एंड सिग्मा स्टार टू पी एक्स। दिस इज द डिफरेंस इज लाइज हेयर, कि यहाँ पे पहले टू पी वाई और टू पी जेड आ जाता है इसकी निस्बत, जबकि पहले यहाँ पे टू पी एक्स आ रहा है। तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस है ये क्यों है, नाउ वी विल गो एंड डिग डीप अबाउट द रीज़न ऑफ दिस एनर्जी चेंज, कि ये जो डायग्राम में हमने डायग्राम बना के देखा कि इस एनर्जी के चेंज की जो है वो रीज़न जो है वो क्या है। तो इसकी रीज़न बड़ी सिंपल सी है, जो आपकी बुक में बड़ी डिटेल में और बड़े अच्छे अंदाज में जो है वो उसने डिस्कस की है। उसने ये कहा है कि इन मॉलिक्यूल्स के केस में, बोरॉन और नाइट्रोजन वगैरह के केस में, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ दीज ऑर्बिटल्स, जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते थे। वो कहता है जी इन मॉलिक्यूल्स के केस में हाइब्रिडाइजेशन के चांसेस होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है मिक्सिंग ऑफ एमोज, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनके मिक्स होने के जो उनसे हैं वो चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से जो सिग्मा टू पी एक्स है और सिग्मा स्टार जो टू पी एक्स है, दे डू नॉट हैव प्योर पी करेक्टर, नो प्योर पी करेक्टर। सिमिलरली वो कहता है कि जो सिग्मा आपके पास टू एस है और जो सिग्मा स्टार टू एस है, दे डोंट हैव नो प्योर एस करेक्टर, क्योंकि अब वो मिक्स हो चुके हैं और मिक्स होने के बाद दे विल हैव दी एस पी करेक्टर। अब एस पी करेक्टर जब ये बन जाता है इनके दरमियान, तो फिर वो ये बात आपको बताता है, वो कहता है जी कि इस एस पी करेक्टर की मौजूदगी की वजह से क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो उनसे हैं दे बिकम स्टेबल एंड सम ऑफ देम बिकम अनस्टेबल, और जो स्टेबल हो जाते हैं दे आर लोअर्ड इन एनर्जी, और जो अनस्टेबल होते हैं दे आर रेज्ड इन एनर्जी, उनका एनर्जी प्रोफाइल जो है वो बढ़ जाता है। कह रहे जी इस इंटर मिक्सिंग की वजह से एस पी करेक्टर जो मिक्स हो जाता है अब आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर, उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ ऑर्बिटल्स जो उनसे हैं दे बिकम स्टेबल एंड लोअर्ड इन एनर्जी एंड सम बिकम लेस स्टेबल्ड एंड आर रेज्ड इन एनर्जी। इस वजह से क्या होता है कि आपके पास जो सी है, जो फ़र्क जो हमने देखा उसकी वजह ये आपस में इनकी जो सी है वो मिक्सिंग है। फिर वो कहता है जी कि जो टू पी जेड टू पी वाई एंड जो टू पी जेड हैं दे आर चूंकि डीजनरेट ऑर्बिटल हैं, सो दे इनके डीजनरेट होने की वजह से, सेम एनर्जी लेवल पे होने की वजह से, दे डो नॉट टेक पार्ट इन इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग तब करेंगे ना जब वो
उनकी एनर्जी कम होना चाहेगी, तो दे डू नॉट टेक पार्ट इन इंटरमिक्सिंग। इस इंटरमिक्सिंग ना होने की वजह से जो है आपके पास क्या होता है, ये दोनों हैं जो उनसे दे रिमेन अनचेंज्ड। अब आप ऊपर चलें वापस अपनी डायग्राम में, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वो ये कहता है जी कि इसकी तो इंटरमिक्सिंग ही है, जबकि इन्होंने दे हैव नॉट टेकन पार्ट इन द इंटरमिक्सिंग प्रोसेस। अब इनकी एनर्जी तो सेम रहनी थी, लेकिन इसने इंटरमिक्सिंग में हिस्सा लिया, और इंटरमिक्सिंग में हिस्सा लेने के नतीजे में दो काम होते हैं कि या एनर्जी कम हो जाती है या बढ़ जाती है। अब इसने इंटरमिक्सिंग में हिस्सा लिया और इसकी एनर्जी बढ़ गई, जिसकी वजह से ये इनसे ऊपर यहाँ पे शो किया हुआ है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है इनकी वजह से। तो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू डायग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स एंड नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में ये फ़र्क है। ये फ़र्क जो है उसने आपको मेंशन कर दिया, और उसकी रीज़न बड़ी डिटेल में बता दी कि दे हैव इंटरमिक्स्ड विद ईच अदर, और इसकी इंटरमिक्सिंग की वजह से आपके पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं दे चेंज इन एनर्जी, कुछ की ज़्यादा और कुछ की कम। तो दिस वॉज द रीज़न बिहाइंड दिस। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि वाई देयर इज नो इंटरमिक्सिंग इन केस ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन वाली जो डायग्राम है, इनके अंदर इंटरमिक्सिंग क्यों नहीं हो जाती, सिर्फ ये बोरॉन और नाइट्रोजन वाले मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर में ही क्यों इंटरमिक्सिंग होती है। इसकी वजह ये है कि इनके जोन से 2s और 2p ऑर्बिटल्स होते हैं, दे हैव वेरी हाई एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से दे डू नॉट इंटरमिक्स, क्योंकि उनकी एनर्जी का डिफरेंस जो सा है वो बहुत ज़्यादा है। वो कहता है जी कि अगर मैं O2 की बात करूं, तो O2 का जो 2s और 2p का एनर्जी डिफरेंस है, दैट इज़ 1595 किलो जाउल पर मोल, और अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं F2 की, तो वो और भी ज़्यादा है, 2078 किलो जाउल पर मोल। अब ये डिफरेंस है बिटवीन दी 2s एंड 2p, इतना ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस होने की वजह से दे डू नॉट इंटरमिक्स। लेकिन वो कहता है जी अगर अब इसी को जब हम कंपेयर करते हैं विद बोरॉन कार्बन एंड नाइट्रोजन, तो बोरॉन के केस में इट इज़ 554, कार्बन के केस में इट इज़ 846 एंड नाइट्रोजन के केस में इट इज़ 1195 किलो जौल। तो ये एनर्जी जो होती हैं तीनों मॉलिक्यूल्स की, इट इज़ लेस देन दीज। तो इसकी वजह से ये वजह है कि इन केसेस के अंदर इंटरमिक्सिंग जो है वो नहीं होती, जबकि इन केसेस में इंटरमिक्सिंग हो जाती है। तो ये जो था हमारा आज का टॉपिक अबाउट द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो यहाँ तक आपने देखा कि किस वजह से जो है उनकी आपस में इंटरमिक्सिंग होती है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट जो है आपके पास, हम जो चीज़ पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, दैट वुड बी द बॉन्ड ऑर्डर, और फिर बॉन्ड ऑर्डर के नतीजे में हम जो है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरफ आएंगे। अगर अभी आज का लेक्चर आप नोट करें तो हमने जो डायग्राम बनाई इस तरह वाली, ये जो हमने डायग्राम बनाई थी अबाउट द प्रोफाइल, इसके अंदर ये जो ऑर्बिटल हमने बनाए, हमने इसके अंदर फिलिंग नहीं की कि इसके अंदर एक आएगा, दो आएगा, एक आएगा या कोई भी नहीं आएगा। वो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट जो है MOT का, वो अब हमारा रह गया है। वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि किस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर हमें बताएगा कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करना है और कितने बॉन्ड बनेंगे, और वो उसके लिए फिर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को स्टडी करके वो भी देखेंगे। तो वो हमारा आखिरी टॉपिक होगा रिलेटेड टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो
अब तक जो चीज़ हमने क्लियर ख़त्म कर ली हुई है दैट इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, कि वो क्या कहती है, कैसे सिग्मा और पाई बॉन्ड्स बनते हैं, और फिर हमने उनकी रिलेटिव एनर्जीज़ को अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया है इन MOT, जिसमें हमारे जिसके बाद हमारी तीनों जो सी थ्योरीज हैं दे विल एंड। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो आई होप कि आपको वो भी जो है बड़े आसानी से अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा।